जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोनारो 24 MM में। राहुल सिंघानिया दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही शानदार पैकेज निकल के सामने आ रही है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में रुचि रखते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों कि काफी एक यूनिक जो वैकेंसी होने वाली दोस्तों, और इस वैकेंसी में दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स रुचि रखते हैं दोस्तों वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों हम एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले दोस्तों आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहे दोस्तों अंत तक, क्योंकि आपके लिए काफी जो है नॉलेजेबल होने वाली है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएशन डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ITI अप्रेंटिस वैकेंसीज अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 ईस्टर्न रीजन। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वैकेंसी डिटेल्स कैन कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी होने वाली दोस्तों, इसमें जो है ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ITI पास स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। दोस्तों काफी एक यूनिक जो है मौका है आप सभी के लिए। तो दोस्तों इस वैकेंसी रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अब जो है पोस्ट की डेट जो दोस्तों ये जो है 8/11/2022 को किया गया, 8 नवंबर 2022 को जो है इस पोस्ट किया गया दोस्तों। और बताना चाहूंगा कुल पोस्ट की संख्या की बात करें दोस्तों तो 125 पदों की वैकेंसी होने वाली है। काफी एक यूनिक जो है मौका आप सभी के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि जो है आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर पाएंगे। बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो है 4 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम एज जो है आपकी 26 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिडक्शन में दोस्तों आपको जो है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको जो है एज में छूट भी मिलने वाली है। आगे हम बात कर रहे थे दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट जो है वैकेंसी की। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अलग अलग कैटेगरी पर दोस्तों इसमें जो है कुल जो है 11 पदों पर वैकेंसी होने वाली दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी पर। अगर कुल सीट की अगर बात की जाए दोस्तों 125 पदों पर वैकेंसी होने वाली दोस्तों। और इसमें दोस्तों सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा अप्रेंटिस ITI स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे दोस्तों वो अपने कैटेगरी के अनुसार दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें जो है सिविल जो है ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल को भी ग्रेजुएशन लेवल पर जो है, इलेक्ट्रॉनिक को भी ग्रेजुएशन लेवल, और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दोस्तों जो है ये भी जो है आप इस फॉर्म को भी दोस्तों आप जो है इस पोस्ट के लिए भी आप ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ये भी दोस्तों ये भी पोस्ट पे जो है ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। सिविल के लिए डिप्लोमा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होनी चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स है दोस्तों। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए दोस्तों इसमें भी जो है आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। और आगे हम बात करें दोस्तों कि जो ITI स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ITI ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों इसमें जो है ITI जो पास स्टूडेंट होंगे दोस्तों वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो NCVT या जो है इसमें मान्यता दिया गया दोस्तों, और SCVT से भी किए तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफी एक यूनिक जो है इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। बताना चाहूँगा दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PL वेबसाइट का लिंक दे दिया है, चाहे उनके माध्यम से आप इस फॉर्म की सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय दोस्तों।